विष्णुदत्त नाम है, विष्णुदत्त त्रिपाठी। क्या घटना हुई? असल में जो हमारे बड़े भैया हैं तो इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो सारा कर्ज पहले से था, उनके लगभग 3 लाख रुपए कर्ज था पिताजी के, और उसके बाद जो है इनके नाम हुआ तो 5 लाख रुपए कर्ज हो गया। उस कर्ज से थोड़ा चिंतित रहते थे, सुबह टाइम उठे हैं, उठने के बाद मंजन किया है और उसका अचानक सीने में दर्द हुआ है। वहाँ से आए हैं एकदम जो है दिक्कत हो गई, तो हम लोगों ने गाड़ी की है, गाड़ी करके बैठा के लेके चले हैं जैसे ही रास्ते में, तो रास्ते में आए हैं, रास्ते में आते आते जो है उनको काफी हिचकी वगैरह आ रही थी, अस्पताल लाए हैं, अस्पताल में थोड़ा उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह लगाई है, और उसका थोड़ी देर बाद ही जो है डॉक्टर ने बोला कि जो है अब ये नहीं रहे। इलाहाबाद बैंक है आपका सुराहा में, वहाँ से था 5 लाख रुपए का कर्ज, पहले इनके पिताजी कर्ज था 3 लाख रुपए का, वहाँ से क्या नाम प्लस ब्याज काफी हो गई थी बढ़ के जो है, तो बढ़ के जाने काफी हो गया था, दिन भर वगैरह हुआ नहीं था, पिताजी एक्सपायर हो गए, तो फिर बैंक वालों ने सलाह दी कि आप ऐसा करो कि इसको जो है नए सिरे से करवा लो, तो उसको जो है ब्याज आज जोड़ दी गई जब उसमें, तो जाके वो 5 लाख रुपए पहुंच गया, तो लगभग 5 लाख रुपए का कर्ज इनके जो है इलाहाबाद बैंक से है सुराहा से, तो उसमें चिंतित रहते थे और उसी में जो है उनका जो अभी जो एक जगमोहन तिवारी नाम का एक हमारे यहाँ ब्रॉड डेड बंदा लाया गया, बताते ग्योड़ी से वो आया था और हम लोगों ने जैसे ही उसको चेक किया तो उस दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और हमारे ख्याल से जिस प्रकार से हमने उसको चेक किया उस हिसाब से लगभग आधे पौन घंटे पहले ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और अब उसका जो स्पष्ट कारण है वो हम लोग नहीं बता सकते अभी, क्योंकि उसके लिए तो पोस्टमार्टम होना जरूरी है।